अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सेंटर पॉइंट के पास भाजपा का झंडा हाथ में लेकर बसपा प्रत्याशी के प्रचार वाहन कार को रोककर ड्राइवर के साथ अभद्रता कर गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाजपा के झंडे लहराने का मामला सामने आया है। 9 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भाजपा प्रत्याशी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बसपा प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा के द्वारा गुंडे के बल पर चुनाव जीतने की साजिश रची जा रही है। सेंटर पॉइंट के पास बसपा का प्रचार वाहन महज एक ड्राइवर के साथ जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में भाजपाइयों के द्वारा ड्राइवर को रोककर अभद्रता की गई। आरोप है बसपा के प्रचार वाहन पर लगा हुआ बसपा का झंडा तोड़ा गया। प्रचार वाहन के ऊपर खड़े होकर जमकर लगाए ठुमके, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले पर क्षेत्र अधिकारी अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, बसपा प्रत्याशी की गाड़ी को रोककर अभद्रता करने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम। ऐसा नहीं हो रहा तो लोग ये मानेंगे नहीं, कहीं ना पुलिस को या तो सपोर्ट कर रही है या फिर जो है पुलिस ही से करी। देखिए उनको अपनी हार का डर अब सताने लगा है। साफ साफ दिखाई दे गई है कि अब वो चुनाव अपना हार रहे हैं और आपका ये भाई चुनाव 100% जीत रहा है। सभी जो मैंने नारा दिया था पहले दिन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी तरीके का प्यार और जो उत्साह मुझे लोगों ने दिया, अब वो अपने डर हार का जो डर है उन्हें सता रहा है। तो अब वो क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करेंगे। हमारा एक कार केवल आ रही थी प्रचार करके, उसको उन्होंने वो करने का कार्य किया है, बदतमीजी की ड्राइवर के साथ, गाड़ी पर चढ़ गए, झंडे लहराए। हमको बताया गया कार के चालक ने कि भाई साहब मुझे गालियां दी गई हैं, आपको गालियां दी गई हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा है उसको उखाड़ने का कार्य किया है। तो अब यह इससे सीधा सीधा समझ में आ गया है कि अब कोई क्यों पड़ते हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। ये भाजपा को इंशाल्लाह मैं 100% महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपसे कहता हूँ कि 4 तारीख को जीत का लड्डू मैं अपने कार्यकर्ताओं को अवश्य ही खिलाऊँगा। जय भीम, जय भारत, जय दादा परशुराम, अल्लाह बीजेपी के झंडे लेकर उनके कुछ पोस्ट होल्डर चढ़े थे, क्या पूरा मामला है, पुलिस ने क्या इसमें कोई एक्शन लिया है? ये थाना सिविल लाइन स्थित सेंटर पॉइंट का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कि बीएसपी पार्टी का झंडा लगा हुआ एक गाड़ी को रोक कर और उसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार कुछ लोगों द्वारा किया गया और इस मामले का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़ित पक्ष से पैरवी प्राप्त कर ली है और अभियोग पंजीकृत करवाया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई कर। क्या आइडेंटिफाई हो पाए लोग या पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया? क्योंकि एक एलिगेशन ये एक जांच का विषय है, हम डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच जरूर करवाएंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो पुलिस कर्मियों की जवाबदाही भी सुनिश्चित कराई जाएगी। हालांकि जो आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो जो वीडियो अभी तक जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है वो मात्र 8 और 9 सेकंड का है और मैं उस पूरे, क्योंकि हम FIR इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि इन्वेस्टिगेशन के तहत हम पूरे वीडियो को ऑब्टेन कर सकें और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिफाई करके और जो भी अक्यूज हैं उन्हें वी कैन ब्रिंग देम टू जस्टिस। डेलीगेशन BSP का जो आया था उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं? जो BSP के डेलीगेशन आए हैं वो अपनी तहरीर लेके आए हैं, पीड़ित को भी साथ लाए थे, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और ये बताया कि इनकी FIR जो है वो तुरंत से तुरंत रजिस्टर की जाए। हमने भी, पुलिस और प्रशासन ने भी इस बात को मानते हुए इस FIR को तुरंत ही रजिस्टर कर लेने के आदेश दे दिए गए हैं और इसमें अधिक कार्रवाई।